गाइस तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने जाना था कि आप अपने SVTU का फॉर्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे फिलअप कर सकते हैं और कैसे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो अपना फॉर्म डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो अपना यूज़र आईडी का पासवर्ड भूल गए थे और फॉरगेट करने पर उनके जीमेल और मोबाइल में मैसेज आ नहीं रहा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे अपना फॉर्म डाउनलोड करेंगे विथ प्रूफ। तो सबसे पहले अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र आप खोल लीजिए, उसमें आप टाइप कीजिए svtonline.in। तो चलिए SVT बिहार यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे हमारे मोबाइल में ये खुल गया है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन है यूजर आईडी और पासवर्ड देने का, लेकिन हम अपना पासवर्ड भूल गए हैं। चलिए फॉरगेट करते हैं। तो फॉरगेट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए फॉरगेट का एक ऑप्शन है यहाँ, बस इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो जैसे मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ, मोबाइल नंबर आपको वही देना पड़ेगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था। तो चलिए टाइप करते हैं। अब हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग दे दिए डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे सबमिट वाला जो एक ऑप्शन है, ये सबमिट वाला ऑप्शन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दिखाएगा योर पासवर्ड हैज़ बीन रिक्वेस्टेड सक्सेसफुली। लेकिन जैसा कि दोस्तों आप देखेंगे कि आपके आपके मोबाइल पे ना ही कोई मैसेज आएगा और ना ही कोई जीमेल पे मैसेज आएगा। आप चेक कर सकते हैं। अभी तक ऐसा कुछ भी आया नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना फॉर्म कैसे डाउनलोड करेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे और जो हमारा यूज़र आईडी है, ध्यान से सुनेगा दोस्तों, जो भी यूज़र आईडी है वो यहाँ पे टाइप करेंगे और सेम जो यूज़र आईडी है उसी को पासवर्ड में लिखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो यूज़र आईडी है सेम उसी को पासवर्ड में भी देंगे। चलिए हम दे देते हैं, देखते हैं खुलता है या नहीं। चलिए साइन इन पे करते हैं। तो थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए दोस्तों जैसा कि हमारा यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म हमारा खुल गया है। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन है एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे ऑप्शन है, इसको हम लोग क्लिक करेंगे। तो चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिए, यहाँ पे आपका जो पे एकेडमिक टर्म आया है और प्रोग्राम टर्म, में आपका जो भी सेमेस्टर है, जैसे मेरा फोर्थ है, मैं फोर्थ दूंगा, आपका जो हो वो दे दीजिए आप। उसके बाद सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कर दिए। जैसा कि देखिए दोस्तों मेरा फॉर्म यहाँ पे खुल गया है। एक ऑप्शन है यहाँ पे डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिए, डाउनलोड का ऑप्शन आया, इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसा कि दोस्तों देखिए मेरा यहाँ डाउनलोड हो गया है, इसको ओपन करते हैं। तो जैसा देखिए दोस्तों मेरा ओपन फॉर्म हो गया है। फॉर्म भरने के लिए आपको बता दिया गया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई है। अगर वीडियो